वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल एमडिया सर्वाइवल जर्नी एंड दिस इज विजेता। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, सही होंगे, सलामत होंगे। सो मैं आज आई हूँ अपने इन लॉज के यहाँ पे। ये एक गांव है नियर बाई अम्ब जो हिमाचल में पड़ता है। सो मैं आज आपको दिखाऊंगी अपना स्केड्यूल दिन का और अपना सुंदर सा गाँव कैसा है और क्या क्या यहाँ चीज़ें हैं। सो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। सो गाइज, अभी तो हम जा रहे हैं मंदिर नहा धो के फ्रेश होके। सो फर्स्ट थिंग वी डू हेयर इज़ वी गो टू टेम्पल। सो अभी हम मंदिर जा रहे हैं। सो मंदिर जाने के बाद हम ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। अभी ब्रेकफास्ट बना रही हैं आलू के परांठे। सो बस, और यहाँ पे इतनी सारी मक्की लगी हुई है, मेरा तो खाने का बड़ा मन कर रहा है, बट ये किसी और के खेत हैं। ये इतनी सारी मक्की, ये तोड़ ही सकते हैं, तो टूटी हुई है। हमारे में भी लगी है बट उगते उसमें भी दाने नहीं पड़े हैं। और पहले उसको हम मतलब चढ़ाते हैं फिर खाना स्टार्ट करते हैं, तो इसलिए अभी नहीं खा पाएंगे। इतनी ऊंची ऊंची हो गई है, वो दिख रहा है आपको मंदिर टॉप में। सो ये मंदिर है यहाँ पे गांव का। खोल दो, सो गाइज, ये है हमारे गांव का मंदिर, भोले बाबा का मंदिर। यहाँ पे सब लोग पूजा करने आते हैं और जब शिवरात्रि होती तो ये काफ़ी अच्छे से सजाते हैं और बहुत ही अच्छे से जो है शिवरात्रि हम यहाँ पे मनाते हैं। और मैं अभी माथा टेकने जा रही हूँ अपने पितरों के मंदिर में, तो यहाँ माथा टेकते हैं हम लोग क्योंकि पितरों को मानना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत अहमियत रखते हैं ये। सो यहाँ बस माथा टेक के हम सीधा जो घर वापस जाएंगे। सो ये अभी हमारे हो गए मंदिर के दर्शन सुबह के। अब हम मंदिर में दर्शन करके वी आर गोइंग बैक टू होम। सो देखते हैं खाना बना कि नहीं। ये देखो मक्की में दाने भी आ चुके हैं, कितने मेरे को इतनी पसंद है। कोई ना, आज करते हैं कुछ, आज मेरा बहुत मन है खाने का। भुट्टा खाएंगे आज, हम लाएंगे मक्की और खाएंगे, चढ़ाएंगे और खाएंंगे, बिकॉज अब रहा नहीं जा रहा इतनी सारी देख के मेरे से। तो अब हम वापस जा रहे हैं घर और खाएंगे खाना, बिकॉज भूख बहुत तेज़ लगी है मेरे को, क्योंकि इस टाइम तक मेरा ब्रेकफास्ट और मोस्ट ऑफ द टाइम हो ही जाता है क्योंकि ऑफिस 9 बजे पहुंचना होता है, तो जल्दी खा लेती हूँ मैं। बस घर ही पहुंचने वाले हैं और मैं आपको दिखाऊंगी हमारी हवेली जो कि हमारे बड़े दादा ने बनाई हुई थी। सो वो दिखाऊँगी मैं और फैमिली मेंबर्स से भी इंट्रोड्यूस करवाऊंगी आपको। सो लेट्स गो।